खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां अस्पताल में घायल का इलाज किसी डॉक्टर से नहीं बल्कि स्वीपर के द्वारा करने का मामला सामने आया। ये मामला खनिया थाना के बामौर कला थाना क्षेत्र के बुरहानपुर का है, जहां दो पक्षों में विवाद होने के बाद घायलों की एमएलसी कराने पुलिस बामौर कला अस्पताल पहुंची, जहां घायल का इलाज स्वीपर ने किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी से नदावत रहकर घर पर आराम कर रहे थे। जब घायल के परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो गुस्साए परिजनों ने थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि इस समय डॉक्टर रसा मेहंदी खान की ड्यूटी थी, लेकिन वो अपने घर पर आराम कर रहे थे। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ भी नहीं था, इस कारण स्वीपर टिल्लू ने घायल का इलाज शुरू किया। ये मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है, अभी तक मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है, आप हमें वीडियो उपलब्ध करा दें, और यदि ऐसा पाया जाता है तो ये बिल्कुल अनुचित है और हम उसमें वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर नियमानुसार कार्रवाई जो भी बनती है वो हम करेंगे। ऐसी एक सूचना हमें थाना प्रभारी के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि ऐसी कोई बात है कि वहाँ संबंधित जो डॉक्टर हैं वो उपस्थित नहीं थे अपने कार पे, तो हमने तत्काल डॉक्टर वहाँ उपलब्ध करा दिए थे और ये बात संज्ञान में, इसमें हम नोटिस जारी कर संबंधित चिकित्सक से हम जवाब मांगा है। आपको बता दें कि शिवपुरी से बामौर कला अस्पताल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें जब विवाद के बाद लोगों को लेकर पुलिस अस्पताल पहुंची तो वहां पर स्वीपर ने घायलों का इलाज किया, इसका वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ शिवपुरी से संवाददाता कमर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये भी देखा जा सकता है कि विवाद के बाद जब पुलिस परिजनों को लेकर अस्पताल पहुंची, इलाज के दौरान ये देखा गया कि इलाज स्वीपर द्वारा किया जा रहा है और मौके पर वहां पर डॉक्टर्स भी नदारद पाए गए। क्या है पूरा मामला और अभी क्या अपडेट है इसको लेकर? आकांक्षा, ये पूरा मामला शिवपुरी जिले के बामौरकला थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ बामौरकला थाना क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद हो गया था और उस विवाद के चलते कई लोग घायल हो गए थे, और जब घायल लोग और विवाद वाले जो पक्ष थे, दोनों पक्ष थाने में पहुंचे, तो वहाँ पुलिस की जो टीम थी, पुलिस वाले उनको बामौर में बने हुए सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचे एमएलसी के लिए, तो वहां जाके देखा कि वहां ना ही मौके पर अस्पताल में कोई डॉक्टर था, ना ही कोई नर्सिंग स्टाफ था। वहां जो स्वीपर मौजूद था, उसी स्वीपर के द्वारा जो है घायलों का इलाज किया जा रहा था। वही कमर खान, जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ रहा है, क्या लगता है कि डॉक्टर के ऊपर या अस्पताल के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले को, ये जब वीडियो किसी ग्रामीण ने जो है ये वीडियो वहाँ पे मौके पे, या जो घायल थे उनके परिजनों ने ये वीडियो बना के वायरल किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी लापरवाही देखी जा रही है कि डॉक्टर और नर्स जो है सरकारी अस्पताल को मैं अगर अपनी ड्यूटी टाइम से समय से नहीं करेंगे और इलाज के लिए अगर इस तरह से मरीजों को भटकना पड़ेगा, या अगर कोई घायल हो जाता है उसके एमएलसी अगर इस तरह से जो है डॉक्टरों की लापरवाही बरती जाएगी और घायलों की एमएलसी अगर एक स्वीपर से कराई जाएगी या उसका इलाज कराया जाएगा, तो फिर एक एक तरह से स्वास्थ्य विभाग की जो है बहुत बड़ी लापरवाही इसमें सामने दिखाई दे रही है। वहीं जिस तरीके से कमर खान ये भी बताया जा रहा है कि जो मरीज के परिजन हैं वो भी चक्का जाम करते हुए नजर आए और लगातार वो भी काफी रोष में नजर आ रहे हैं, क्या लगता है क्या मांग आगे की जाएगी और इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? ये जो घायलों के परिजन थे, जब उनको ये जानकारी मिली कि वहाँ वो अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर और नर्स को इलाज नहीं कर रहे, एक स्वीपर के द्वारा इलाज किया जा रहा है, तो उन लोगों को ये बात नागवार गुजरी और थाने के आगे जो है 20 सड़क पे चक्का जाम कर बैठ गए। तभी वहां थाना प्रभारी ने उनको वरिष्ठ अधिकारियों से बात कराकर और आश्वासन दिया कि भाई ये डॉक्टरों के द्वारा कराया जाएगा। जब जाकर कहीं वो वहां से उन्होंने चक्का जाम खोला। ठीक है कमर खान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस खबर पर साझा करने के लिए।
तो जिस तरीके से आपने देखा कि शिवपुरी के बमारखोला अस्पताल से मामला सामने आया है, जहां पर तस्वीरें सामने आई हैं, देखा जा रहा है कि डॉक्टर की जगह स्वीपर मरीज का इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं परिजनों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है, जिसके बाद परिजन खुद सड़क पर उतर आए और चक्का जाम करते भी नजर आए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आश्वासन दिया गया है कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।